जेएमएम के अंदर ही समीर मोहंती को मिल रही चुनौती। पूर्व विधायक कुणाल शारंगी भी बहरा गोड़ा में लगातार सक्रिय। कुणाल शारंगी बीजेपी के साथ साथ जेएमएम के भी संपर्क में। भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी या आभा महतो के नाम की चर्चा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, जिनमें 3 विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम और बहरा गोड़ा सामान्य सीट है। बहरा गोड़ा विधानसभा 2 राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जुड़ा होने के कारण काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए हर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की ओर से पिछले कई महीनों से काफी मेहनत की जा रही है। फिलहाल यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। वैसे बहरा गोड़ा से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती विधायक है। पार्टी एक बार फिर उन पर विश्वास करते हुए टिकट दे सकती है, लेकिन हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समीर मोहंती को जमशेदपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस चुनाव में बहरा गोड़ा विधानसभा में भी जेएमएम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पिछले 5 सालों में उनके कार्यों का मूल्यांकन भी पार्टी कर रही है। बहरा गोड़ा से जेएमएम के कई नेता टिकट हासिल करने के लिए सक्रिय हैं। बहरा गोड़ा के पूर्व जेएमएम विधायक कुणाल शारंगी भाजपा से इस्तीफा के बाद से इलाके में लगातार सक्रिय हैं। इस दौरान वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ऐसी चर्चा है कि कुणाल शारंगी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो से मुलाकात की, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर कुणाल शारंगी का नाम भाजपा के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी चल रहा है। वे दोनों दलों के नेताओं से संपर्क में हैं। कुणाल शारंगी ने 2014 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर बहरा गोड़ा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वे बीजेपी टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुणाल शारंगी झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता बने, लेकिन उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया। भाजपा में कुणाल शारंगी के इस्तीफे के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी और पूर्व सांसद आभा महतो के नाम की भी चर्चा है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और आभा महतो के घर जाकर उनसे मुलाकात की। खैर, बता दें कि पिछले 4 चुनावों में मुख्य मुकाबला जेएमएम और भाजपा के बीच ही देखने के लिए मिल रहा है।